प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर में। मैं हूं महेश पनावत। यह है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। तो मानसून की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है, यानी कि अगस्त का महीना अगर हम देखें जुलाई के महीने के कंपेयर में, तो जुलाई में काफी अच्छी बारिश हुई थी ज्यादातर इलाकों में, लेकिन अगस्त में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बहुत ही कम जगहों तक सीमित रही थी। यानी कि शुरुआती दौर में हमने देखा पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हुई, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। यानी कि मानसून जहां बारिश दे रहा है वहां पर भी नुकसान पहुंचा रहा है, और जहां नहीं दे रहा वहां सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। तो इस बार का मानसून बहुत ही ज्यादा इरेटिक है, यानी कि जो उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो अब क्या होगा कि अब अगर आप देखें तो ये हिमालय की तराई में एकदम फुटहिल्स में आप देखिए ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ आ गई। बिहार के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहा है और ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ अरुणाचल तक जा रही है, और एक जो है वो तमिलनाडु के तट तक जा रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर बना हुआ है, लेकिन इसको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रही है। यानी कि नमी वाली हवाएं न तो ये बंगाल की खाड़ी से आ रही है न अरब सागर से आ रही है, यानी कि ये यहाँ पर सूखी हवाएं हैं। अगर हवाएं ऊपर उठती भी हैं तो उसमें नमी नहीं है, इसलिए बारिश की संभावना नहीं बनी हुई। यानी कि कभी कभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने के बावजूद भी बारिश नहीं होती है, ये इस तरह का आप देखिए। तो ये सारे वेदर सिस्टम है, एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ उत्तर में सिमट गई है, तो उसके दक्षिण में जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हवाएं हैं वो पश्चिम दिशा से आती हैं और शुष्क होती हैं, गर्म होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान है इस इलाके से और थार डेजर्ट से जो हवाएं आ रही हैं तो यहाँ पर कोई भी वाटर बॉडी ऐसी बड़ी नहीं है, यानी कि बहुत बड़ी लेक या समुद्र नहीं है, तो इस इलाके की हवाएं हमेशा शुष्क रहती हैं और वो मौसम में कोई भी बदलाव नहीं करती हैं, यानी कि मौसम शुष्क बना रहता है। हालांकि सर्दियों के समय में जब पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो उसके प्रभाव से बारिश होती है, लेकिन क्योंकि गर्मियां आ गई हैं, गर्मियां जब आती हैं तो जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ आ जाता है और उसके साथ साथ सारे वेदर सिस्टम भी उत्तर में चले जाते हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ भी अब उत्तर की तरफ चले गए हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि रशिया के ऊपर और चाइना के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जाएगा। इन इलाकों में कोई भी पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, इसीलिए अब जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश रहेगी और काफ़ी ज़्यादा इस इलाके में नुकसान होने की आशंका नजर आ रही है। 15-16 तारीख से जो पाकिस्तान का पंजाब और बाकी इलाके हैं इस इलाके में बारिश बढ़ सकती है, लेकिन पंजाब जो भारत का है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो इलाके हैं राजस्थान के, ये पूरी तरह शुष्क रहेंगे क्योंकि इस इलाके में गर्म और शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। और 16-17 तारीख के बाद से जब ये ट्रफ रेखा नीचे आएगी तब बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उस समय भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना हमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दिखाई नहीं दे रही है, बारिश हल्की ही रहेगी। तो कम से कम 20 तारीख तक बहुत ज्यादा ऐसा वेदर नहीं होगा जिससे कि राहत मिले। हालांकि 15 अगस्त या 16 अगस्त के बाद कुछ बारिश की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। उसी तरह अगर मध्य भारत के बारे में बात करें तो मध्य भारत में आपने देखा था कि मूसलाधार बारिश हुई थी, काफी ज्यादा नुकसान हुआ था ये कोटा, बूंदी, बारन, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इन सारे इलाकों में, लेकिन बारन वगैरह में, भीलवाड़ा, झालावाड़ में, और इसी तरह से दतिया और मोरैना हो गया, ग्वालियर है और जो बाकी इलाके हैं इन इलाकों में, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश हुई थी, बाढ़ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी। अब धीरे धीरे बारिश में कमी आने लगी है क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून यानी ब्रेक मानसून आ गया है और इस इलाके में सुधार हो जाएगा, लेकिन अगले 7-8 दिनों तक हमें राजस्थान और गुजरात में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। और मध्य प्रदेश की भी बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में अब बारिश की गतिविधियां ना के बराबर होंगी, बहुत कम होंगी, तो केवल उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में जैसे कि सिद्धी, सतना, पन्ना, सिंगरौली और उसके आसपास के इलाकों में, उमरिया, दमोह में बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, लेकिन कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी 1-2 दिनों के बाद, उसमें भी कमी आ जाएगी। और इसी तरह अगर महाराष्ट्र को देखें तो विदर्भ में हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी, 15-16 अगस्त के बाद विदर्भ में थोड़ी सी बारिश बढ़ेगी, लेकिन मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोकण एंड गोवा में जो मौसम है शुष्क रहेगा। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में लगभग शुष्क बना रहेगा, यानी कि जैसे कि आप कह सकते हो कि लातूर हो गया, हिंगोली, जलना, परवनी, औरंगाबाद, अहमदनगर, ये सारे इलाके हैं, जलगांव, नासिक, मालेगांव, पुणे, इन सारे इलाकों का मौसम शुष्क रहेगा। मुंबई में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है जो 15-16 के बाद थोड़ी बढ़ेगी, और जो तटीय महाराष्ट्र है इस इलाके में भी जैसे कि रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा वगैरह, इन इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश बढ़ सकती है।
गुजरात पूरी तरह शुष्क बना रहेगा और अगर बारिश होती है तो बहुत हल्की होगी जो दक्षिणी जिलों में ही देखने को मिलेगी, यानी कि कुल मिलाकर के मानसून बहुत ज्यादा कमजोर रहने वाला है इस इलाके में। केवल एक पूर्वी भारत है जहां बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखी जा सकती है और उसका कारण यह है कि आप देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार के ऊपर बना हुआ है, ट्रफ रेखा भी बिहार के ऊपर से जा रही है, तो अब क्या होगा कि जो बिहार के ज्यादातर इलाके हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश है इस इलाके में अच्छी बारिश रहेगी अगले 2-3 दिनों तक, मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, यानी कि जल भराव की आशंका भी नजर आ रही है। उसी तरह जो स्वाभिमालन वेस्ट बंगाल सिक्किम है इस इलाके में भी भारी बारिश होगी और झारखंड में भी कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है और उत्तर पूर्वी राज्यों में खास करके सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन इलाकों में मूसलाधार बारिश यानी तेज बारिश हो सकती है। बाकी जो दक्षिणी जो राज्य हैं मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। गंगे पश्चिम बंगाल में भी 24 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, यानी कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में मानसून सक्रिय बना रहेगा और बहुत अच्छी बारिश अभी रहेगी। केवल पूरे देश में यही एक ऐसा इलाका होगा जहां पर मानसून अच्छा रहेगा और बारिश बढ़िया रहेगी। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में भी बहुत ज्यादा अभी बारिश नहीं है, लेकिन पिछले जो कई दिनों से जो शुष्क मौसम बना हुआ था अंदरूनी इलाकों में, तो तमिलनाडु और केरल में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। केरल में अगले 24 से 48 घंटों तक रहेंगी और तमिलनाडु में अगले 2-3 दिनों तक ठीक ठाक बारिश होगी, कुछ इलाकों में तेज भी हो सकती है, यानी कि जो पूरी तरह से शुष्क मौसम था उससे राहत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब धमाधम बारिश होगी या मानसून बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो सूखा था उससे राहत मिलेगी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और रायलसीमा में भी कुछ बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। तेलंगाना में 14-15 तारीख के बाद ऊपर का जो यानी कि नॉर्थ तेलंगाना, इस इलाके में बारिश पड़ेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अभी अगले 2 दिनों के दौरान बहुत अच्छी बारिश नजर हमें आ रही है। तो कुल मिलाकर के उत्तर और पूर्वी भारत के अलावा बाकी जो भारत है उसमें मानसून कमजोर ही बना रहेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में, और बाकी इलाकों में दक्षिण भारत में आपने देखा कि थोड़ी बहुत बारिश बढ़ जाएगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।